नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं बिटर टूट। झारखंड के मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल या राजभवन के बीच तलखियां बढ़ी है, दूरियां बढ़ी है। अभी तक आप सुनते होंगे कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और केजरीवाल, है ना, ममता बनर्जी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनके बीच बात बातों पे ये कहते हैं कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के स्टेप्स होते थे उसको लेकर तनाव होता था, और केजरीवाल और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के उनके बीच भी उतना बनता नहीं है। बट उपराज्यपाल, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस के बीच बीते दिनों दूरियां बढ़ी है, दोनों के बीच तल्खियां बढ़ी है, झारखंड सरकार और राजभवन के बीच। तो इसमें कुछ चीजें हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को जो गठन किया गया नई नियमावली के तहत हेमंत सोरेन ने किया, तो इसमें झारखंड के राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रही। और जब इस नियमावली को भेजा गया झारखंड के राज्यपाल के पास, रमेश बैस के पास, तो इसको झारखंड के राज्यपाल ने लौटा दिया और ये फाइलें लौटाया असंवैधानिक बताते हुए, है ना, कि जो नई नियमावली बनी वो असंवैधानिक है ये कह के फाइलें लौटा दी गई, और उसमें कुछ सुझाव भी दिए गए कि कम से कम दो में राज्यपाल का वो होना चाहिए। खैर, ये इसमें संशोधन के लिए कहा गया, लौटा दिया गया राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन को। हालांकि जो बंधु तिर्की है जो कांग्रेस के हैं उन्होंने खुद कहा कि राज्यपाल की जो कही गई बातें हैं उसको मान लेना चाहिए। खैर, जो भी हो, ये फाइलें लौटा दी गई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की, जो नई नियमावली बनी हेमंत सोरेन को, यहाँ के सरकार को। एक चीजें तो यहां पे आ गई, और भी कुछ चीजें हुई है, जैसे कि बीते दिनों ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन किया गया, एक गठन क्या विधेयक पास हुआ और इसको भेजा गया राज्यपाल को, राज्यपाल ने ये फाइलें भी लौटा दी। जमशेदपुर में इसका गठन होना है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल विश्वविद्यालय का गठन होना है, तो इसमें यह कहते हुए लौटा गया कि इसमें जो मसौदे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग हैं, हिंदी में कुछ और है इंग्लिश में कुछ और है, तो यह कह के लौटा दिया गया। और फिलहाल जो ये फाइलें भेजी गई थी जमशेदपुर में जिसका स्थापना होना है उस पे, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय का, जनजातीय विश्वविद्यालय होगा या ट्राइबल विश्वविद्यालय जो बोलिए, वो तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पे होगा, जिन्होंने ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था संथाली का, तो ये फाइलें भी लौटा दी गई और फिलहाल के लिए इसको विराम लगा दिया गया। तो ये कुछ स्टेप्स हुए हैं जिससे जिससे और भी जो मुख्यमंत्री हैं और राजभवन है उनके बीच दूरियां बढ़ी है। खैर, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं संवैधानिक रूप से, कि जो राज्यपाल होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए होते हैं राज्यों में। और अगर पॉलिटी पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा कि राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र के एजेंट होते हैं, क्योंकि हमारे यहां जो स्ट्रक्चर है संवैधानिक संरचना है, देखिए किस तरीके से, वो भी मैं आपको बताता हूं। राज्यपाल कोई नियुक्तियां करती है केंद्र सरकार, नियुक्तियां करते हैं राष्ट्रपति, उनको भेजते हैं, बट इसके लिए जो भेजा जाता है, नाम भेजे जाते हैं, वो केंद्र सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि हमारे जो देश है उसमें बहुत सारे राज्य हैं और राज्य यहाँ आजाद नहीं है या यहाँ डोमिनियन स्टेटस नहीं है राज्य का, है ना। हाँ, कुछ राज्यों के कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, बहुत मतलब कुछ एरियों को। एक राज्य था जिसको बहुत सारे अधिकार दिया गया था आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को, तो केंद्र सरकार ने उसको भी हटा दिया, उसको भी रिमूव कर दिया। तो ये और ये विधानसभा के कस्टोडियन भी होते हैं, तो राज्यों में जो संविधान जो राज्यों में जो भी चीजें लागू होनी होती है, जो विधेयक है पास होती है तो उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं तो राज्यपाल का होता है, और अगर राज्यपाल को किसी इधर उधर गुजरा तो राज्यपाल इसको राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। खैर, राज्यों के विकास में
अगर कोई चीजें असंवैधानिक हो तो राज्यपाल का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो राज्यों को बताए, है ना, और राज्य के विकास में राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री होते हैं दोनों मिलके राज्य के विकास का काम करें, है ना, और इसमें कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है ना। कोई भी संवैधानिक पूर्व जो संविधान के तहत आता है वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और एक चीज और कहता हूँ कि हम लोग यही आशा करें कि जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं उनके बीच ज्यादा जो कहते हैं तल्खियां ना बढ़े। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।